हेलो फ्रेंड्स, आप सबका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में टेम्परेचर मेजरमेंट की। और टेम्परेचर मेजरमेंट में टॉपिक आज का हमारा रहेगा टेम्परेचर गेज। मैं कपिल कसेरा आप सबका स्वागत करता हूँ। और आइए देखते हैं टेम्परेचर गेज के बारे में जानकारी। आज हम टेम्परेचर गेज के बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर गेज, टेम्परेचर गेज के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर गेज और एडवांटेज। एडवांटेज सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आरटीडी, थर्मोकपल और थर्मिस्टर अलग अलग तरह के ऑलरेडी डिवाइसेज हैं, तो हम टेम्परेचर गेज क्यों यूज करेंगे? तो सबसे पहले इसका फायदा है लो इन कॉस्ट, सबसे सस्ते होते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आरटीडी और थर्मोकपल के, सस्ते होते हैं, फ्लेक्सिबल, इजी इन ऑपरेशन होते हैं, इजी टू माउंट होते हैं और डिसमाउंट होते हैं, आराम से लगा सकते हैं और आराम से इनको हटा भी सकते हैं। कोई वायरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई टेक्निकल डिटेल नहीं चाहिए लगाने के लिए, कोई भी जाके लगा सकता है टेक्नीशियन आराम से। कैलिब्रेट करना ईजी है, इसके लिए ऑपरेशन के लिए कोई पावर की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, विदाउट पावर काम करते हैं, विदाउट सप्लाई, और पावर फेल होने केस में भी ये काम करते रहते हैं। अगर डीसीएस फेल हो जाए या फिर यूपीएस वगैरह फेल हो जाए, पावर सप्लाई फेल हो जाए, डीसी पावर फेल हो जाए, तब भी ये काम करते रहते हैं, इन्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती पावर की। तो सबसे पहले हम टाइप्स की बात करते हैं, टेम्परेचर के कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली इंडस्ट्री में काम आने वाले टेम्परेचर गेज दो टाइप के होते हैं, एक है बायोमेटेलिक टाइप और दूसरी है फील्ड सिस्टम टाइप। बायोमेटेलिक टाइप भी दो टाइप के होते हैं, स्पाइरल स्ट्रिप और हेलिकल स्ट्रिप। और फील्ड सिस्टम टाइप भी दो टाइप के होते हैं, लिक्विड फील्ड और गैस फील्ड। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर गेज। ये इसका डायल है, ये इसकी नीडल है और ये स्टेम है इसका। और ये फ्लेक्सिबल टाइप है, ये इसकी कैपलरी है, इसके थ्रू हम इसको थोड़ा तो डिस्टेंस पे भी टेम्परेचर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की टेम्परेचर गेज की। टेम्परेचर गेज जो है उसके लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड EN13190 है, उसके ऊपर ये बेस्ड है, उसके अनुसार ही इसके बनाए जाते हैं टेम्परेचर गेज। डायल जो साइज है इसका वो 2.5 इंच, 4 इंच या 6 इंच का हो सकता है, और इससे बड़ा भी हो सकता है स्पेशल रिक्वायरमेंट पे, बट नॉर्मली यही यूज होते हैं। 10 इंच का भी आता है, और भी बड़ा कर सकते हैं जितना चाहिए, स्पेसिफिकेशन उसके हिसाब से दे सकते हैं, और कस्टम रिक्वायरमेंट पे भी बनाया जा सकता है। ये इसका डायल साइज हो गया। माउंटिंग टाइप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक होता है डायरेक्ट बॉटम टाइप, जैसे ये आपको दिख रहा है डायरेक्ट बॉटम है। एक है एवरी एंगल टाइप, जैसे इस टाइप का होता है जिसका आप एंगल एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा दूर से भी इसको देख सकें इजीली। और एक होता है बैक एंट्री टाइप, इस टाइप का होता है जिसमें पीछे से ये लगा रहता है, ये बैक एंट्री टाइप हो गया आपका। और एक सरफेस माउंटिंग होता है, सरफेस माउंटिंग और रिमोट माउंटिंग विथ कैपलरी। ये देखिए आपका इसमें कैपलरी लगी हुई है, ये इसका मेजरिंग एलिमेंट है और ये इसका डायल है। आप इसको मेजरिंग एलिमेंट को लगा के डायल थोड़ा दूर पे भी लगा सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी दूर से भी इजीली एक्सेसिबल लोकेशन से भी आप उसका टेम्परेचर देख सकते हैं। और इसकी कैपिलरी की लेंथ 3 to 20 मीटर, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मंगा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। जो इसका ये स्टेम है, इसका डायमीटर भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, 6 mm हो सकता है, 8 mm हो सकता है और 10 mm हो सकता है, और भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज्यादा मंगवा सकते हैं इसके अंदर। स्टेम लेंथ जो आपका 100 mm, 200 mm, 300 mm, जो ये डिपेंड करता है आपके पाइप के डायमीटर के ऊपर, किस जगह आपको टेम्परेचर मेजर करना है और कितना लंबा आपको उसके अंदर इमर्स करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्मोवेल कितना बड़ा है आपका, और गेज का टिप थर्मोवेल के बॉटम पे टच करना चाहिए। प्रोसेस कनेक्शन जो होता है नॉर्मली वो थर्मोवेल के साथ होता है, और 1/2 इंच BSP और NPT होता है नॉर्मली, और अनदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, और फिक्स्ड भी हो सकता है और एडजस्टेबल भी हो सकता है, जिससे कि अपन इसको यूज कर सके, लेंथ थोड़ा बहुत कम पैदा करके एडजस्ट कर सकते हैं थर्मोवेल के हिसाब से। और जो बटन ट्यूब होती है इसकी, इसके अंदर जो बटन ट्यूब होती है जो बाद में बताएंगे आपको, उसकी मेटेरियल जो होता है SS316 या फिर SS316L लेते हैं। जो स्टेम है वो SS316 रहता है मेटेरियल, और जो आर्मर और कैपेलरी है उसका मटेरियल 304 और 301 हो सकता है। अब हम बात करते हैं बायोमेटलिक टेम्परेचर गेज की।
जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये बायोमेट्रिक टेम्परेचर गेज के अंदर ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप है। इसमें एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और जो टेम्परेचर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमें मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट मिलता है। हर एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि थर्मल एक्सपेंशन की, जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें अंदर थर्मल एक्सपेंशन होता है, ये हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मेटल एक्सपेंड करता है या कॉन्टेक्ट करता है टेम्परेचर चेंज के साथ, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड होता है, और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो वो कॉन्टेक्ट करता है, वो सिकुड़ता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो फैलता है। और जो सेकंड होता है कि ये हर एक मटेरियल का थर्मल कोफिशियंट अलग अलग होता है एक्सपेंशन का, मतलब कि हर मेटल अलग अलग एक्सपेंड करेगा सेम टेम्परेचर चेंज के लिए। मीन्स कि अगर आपने किसी को 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज किया है तो हर मेटल का एक्सपेंशन अलग अलग होगा, यही प्रिंसिपल हम इसमें यूज करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक हेलिकल स्ट्रिप होता है और एक स्पाइरल स्ट्रिप होता है। जैसे ये वाला आपका हेलिकल स्ट्रिप है, इसमें एक हेलिकल टाइप का एक बना रखा है बायोमेट्रिक स्ट्रिप, जिसमें एक एंड फिक्स रहता है और दूसरे एंड पे नीडल लगा रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये हेलिकल स्ट्रिप एक्सपेंड होता है और ये इसका आगे बढ़ता है पॉइंटर, और हमें टेम्परेचर मेजर करते हैं कितना टेम्परेचर है। ये एक स्केल कैलिब्रेटेड रहती है इसके अंदर, जिससे हमें टेम्परेचर मालूम चलता है। दूसरा होता है कि हेलिकल टाइप, जिसमें ये एक हेलिकल स्ट्रिप रहती है बायोमेट्रिक की, इसमें एक फिक्स एंड रहता है दूसरा फ्री एंड रहता है। यहाँ पे जब इसको हीट करते हैं तो फ्री एंड इसका मूवमेंट करता है और हमें इसका टेम्परेचर मालूम चल जाता है कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। ये इसका रोटेटिंग शाफ्ट है, ये फ्री एंड है इसका और ये फिक्स्ड एंड है, इसमें ये वाला फिक्स्ड एंड है और ये इसका पॉइंटर है। तो अब हम देखते हैं इसमें, जैसे कि ये एक हमें एक मेटलिक स्ट्रिप है, ये दो अलग अलग मेटल की बनी हुई है, बायोमेटलिक स्ट्रिप इसको बोलते हैं। इसका एक एंड फिक्स रखते हैं, दूसरा एंड फ्री रहता है इसके अंदर। जब इसको गर्म करते हैं फ्री एंड को तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे कि हमने देखा बायोमेटलिक सेंसर, टू मेटलिक स्ट्रिप होती है इसके अंदर। मेटलिक स्ट्रिप जो है वो टू डिफरेंट मेटल की बनी होती है और जिनका थर्मल कोफिशियंट अलग अलग होता है, और ये दोनों का रेट जो है एक्सपेंशन का अलग अलग होता है। और इसको जो स्ट्रिप है वो नॉर्मली स्टील या कॉपर की बनी होती है, या फिर स्टील और ब्रास की भी बना सकते हैं, और अलग अलग मेटल यूज करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। इन दोनों स्ट्रिप को फिर ज्वाइंट कर दिया जाता है बाई देयर लेंथ, बाई रिविटिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग, और फिर इनको एकदम बॉन्ड कर दिया जाता है फिर्मली टू अवॉइड रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द स्ट्रिप। मीन्स कि दोनों एक साथ ही जो मूवमेंट होगा एक साथ होगा, ये नहीं कि एक ज्यादा कर रही है एक कम कर रही, दोनों का एक साथ होगा जिससे ये बेंड होगी इसके अंदर। और इसको एक एंड को फिक्स कर देते हैं और दूसरे को फ्री रखते हैं, और जब इस असेंबली को गर्म करते हैं तो बोथ मेटलिक स्ट्रिप एक्सपेंड होती है और दोनों में अनइवन एक्सपेंशन होता है, क्योंकि दोनों का थर्मल कोफिशियंट अलग अलग है एक्सपेंशन का, और इस कारण से जो फ्री एंड है वो डिफ्लेक्ट करता है और डिस्प्लेसमेंट देता है, और उसी डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा और उसी को हम मेजर करते हैं। ये जैसे इसमें देख सकते हैं आप, ये पॉइंटर इसमें लगा हुआ है, जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा वैसे वैसे पॉइंटर मूव करेगा, जैसे जैसे हीट कम होगा तो ये वापस बैक आएगा, और फ्री एंड पॉइंटर से कपल्ड रहता है, और ये डायल कैलिब्रेटेड रहता है कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसी के हिसाब से उतना टेम्परेचर यहाँ पे दिखाता है ये। और इस तरह से हम किसी भी प्रोसेस का टेम्परेचर मेजर करते हैं बायोमेट्रिक टेम्परेचर गेज से। नेक्स्ट जो है अगला है आपका फील्ड सिस्टम थर्मोमीटर। फील्ड सिस्टम थर्मोमीटर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि फील्ड सिस्टम जो थर्मोमीटर है मैकेनिकल कॉन्टेक्ट टाइप है, मतलब आपका इसमें कॉन्टेक्ट रहता है डायरेक्ट प्रोसेस के साथ, कि जो गर्म होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहने से रहता है। और जो बायोमेट्रिक है उसमें हम यूज करते हैं कि जो कोई भी सॉलिड मटेरियल है उसका थर्मल कोफिशियंट जो एक्सपेंशन का यूज करते हैं, और इस वाले में हम यूज करते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाली लिक्विड और गैस। जिस तरह से सॉलिड उसमें एक्सपेंड होता है, इसी तरह से लिक्विड और गैस भी एक्सपेंड होते हैं। लिक्विड और गैस ज्यादा एक्सपेंड होते हैं सॉलिड की अपेक्षा, सो इसमें रेट ऑफ रेस्पॉन्स ज्यादा रहता है, ज्यादा फास्ट ये रेस्पॉन्ड करता है टेम्परेचर चेंज को। और इसमें एक प्राइमरी एलिमेंट होता है
जिसे हम एक बल्ब के रूप में देख सकते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिविटी फ्लूड इसमें भरा रहता है, जैसे सेंसिंग बल्ब है इसमें टेम्परेचर सेंसिटिव फ्लूड भरा है, और ये एक कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके थ्रू ये एक बर्डन ट्यूब से जुड़ा रहता है। बर्डन ट्यूब भी होलो ट्यूब रहती है, और बर्डन ट्यूब के साथ एक ये पॉइंटर कनेक्ट रहता है लिंकेज के थ्रू, और ये कैलिब्रेटेड स्केल पे आपको टेम्परेचर दिखाता है कि कितना टेम्परेचर कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। और ये बर्डन ट्यूब इसको पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करती है, और पॉइंटर में पता है कि कितना टेम्परेचर कम या ज्यादा हो रहा है। और इस बल्ब में लिक्विड या गैस भरा रहता है, या लिक्विड वेपर भरा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग को क्लासिफाई करते हैं कि लिक्विड फील्ड है या गैस फील्ड है। और दोनों का प्रिंसिपल बेसिकली सेम ही है, लिक्विड भी एक्सपेंड करता है और गैस भी एक्सपेंड करती है। गैस अगर फील्ड है तो उसमें इनर्ट गैस भरी रहती है जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ एक्सपेंड करती है। और ये जो प्राइमरी एलिमेंट है ये प्रोसेस के अंदर इमर्ज रहता है डायरेक्टली या फिर थर्मोवेल के साथ में, और जो प्रोसेस टेम्परेचर है उसको ये अटेन करता है, मतलब उसके अनुसार इसका जैसे जैसे प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ता है इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके अंदर का लिक्विड या गैस का जो है एक्सपेंशन होता है। और ये जो वॉल्यूम है इसका पूरे का कांस्टेंट है सिस्टम का, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड है तो जैसे जैसे गर्म करेंगे तो एक्सपेंड होगा, तो इसका प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम फिक्स होने की वजह से ये बर्डन ट्यूब डिफ्लेक्ट होती है, और उसके साथ में लगा हुआ ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, और ये हमें कैलिब्रेटेड स्केल पे दिखा देता है कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। और इस तरह से इसके द्वारा हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, लिक्विड फील्ड थर्मामीटर या गैस फील्ड थर्मामीटर विद द हेल्प ऑफ बर्डन ट्यूब, और ये फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं बायोमेट्रिक की अपेक्षा, क्योंकि लिक्विड और गैस ज्यादा जल्दी एक्सपेंड होते हैं या कॉन्टैक्ट होते हैं, और ये डायरेक्ट माउंटिंग भी होते हैं और कैपिलरी टाइप भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कैपिलरी टाइप है, और ये आपका लिक्विड और गैस जो है वो कैपिलरी के अंदर डायरेक्टली रहता है, और इस तरह से हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं इसके थ्रू। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। इस चैनल में इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे, और आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर हमें बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। और इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।